एसपी व जिला जज ने कैदियों के लिए जेल में प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा आज जिला कारागार बिजनौर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक बिजनौर श्री नीरज कुमार जादौन, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बिजनौर श्री शिवानंद गुप्ता के द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक बिजनौर श्री नीरज कुमार जादौन ने जेल में निरुद्ध कैदियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें जेल में बंद कैदियों को कौशल प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बिजनौर श्री शिवानंद गुप्ता जी ने जेल में बंद कैदियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा उनसे सही तरह से प्रशिक्षण लेने की अपील की। इस कार्यक्रम का संचालन होराइजन स्किल्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री वसीम अहमद ने किया। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कैदियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर जेलर श्री रविन्द्र नाथ, उप जेलर श्री अरविंद कुमार, श्रीमती लक्ष्मी देवी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बिजनौर इकाई के जिला समन्वयक, प्रिंसिपल ITI बिजनौर श्री मंजुल मयंक, MIS मैनेजर मारकांडे चौरसिया, रोहिताश पांडे एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के चारों प्रशिक्षण दाता उपस्थित रहे। बिजनौर से बिजनौर के एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।